हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और बचे हुए अगर आपके पास चावल बचे हुए हैं तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें मैंने बहुत सी वेजेस ऐड की हैं, आप अपनी पसंद की भी वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लूँगी प्याज, इसको मैंने काट लिया है, इसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। साथ में मैंने ली है शिमला मिर्च और गाजर, और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया लिया है, साथ में हरी मिर्च ली है मैंने, आप अपने तीखे के हिसाब से इसे ले सकते हैं। साथ में मैंने एक टमाटर लिया है, इसको मैंने भी काट लिया है। साथ में 2 कप के करीब मेरे पास चावल हैं, इनको ये पहले ही उबले हुए चावल हैं। अब मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। जीरे ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। इनको हो जाने के बाद इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। इसको बनाने के लिए हमने जो गैस की आंच रखनी है वो हाई ही रखनी है, क्योंकि ये हाई फ्लेम पर बने तो बहुत इसमें अलग ही टेस्ट आता है। इसलिए सारी कुकिंग मैंने हाई फ्लेम पर ही की है। इसमें प्याज को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। प्याज हो गया है, अब हम इसमें हरी मिर्च को ऐड करेंगे। आप अपने तीखे के हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने काट लिया था। आप जितना तीखा खाते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो आप 1 मिर्च भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेते खा सकते हो तो अपने हिसाब से आप हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने सब्जियां ऐड कर दी, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर, पत्ता गोभी, गाजर, गोभी, कुछ भी, मतलब कि जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पनीर को भी ऐड कर सकते हैं, बस पनीर को हम लास्ट में ऐड करेंगे ताकि वो टूटे ना, सॉफ्ट हो जाता है वो जल्दी से। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर आप फ्राइड राइस बनाए तो इसी टाइम ऐड करें, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो वो बहुत जल्दी गल जाएंगे, फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब इनको हमने अच्छे से पका लेना है ताकि ये अच्छे से सब्जियां गल जाएं। मुझे सब्जियों में थोड़ा क्रंच पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर ही पकाऊंगी, ज़्यादा पूरी तरह से सब्जियों को नहीं गलाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा गली हुई सब्जियां पसंद हैं तो आप इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट लगाकर ढककर किसी भी तरह से आप अच्छे से गला लें सब्जियों को, उसके बाद ही इसमें बाकी चीज़ें ऐड करें। मैं इसको इतनी देर ही पकाऊंगी। अब थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने से ये होगा कि आपकी जो सब्जियां थोड़ी ज़्यादा कच्चेपन का टेस्ट आएगा, वो नमक डालने से ठीक हो जाएगा, वो कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा उसमें, कोई भी सब्जी हो चाहे गाजर हो, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 चम्मच हल्दी का, साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च, और साथ में मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। साथ में मैं थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें ऐड किया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, जिससे भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने 1/4 चम्मच ही
जिंजर पाउडर ऐड किया। अगर आप इसको नहीं पसंद करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इनको थोड़ी देर हमने पकने देना है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर डाला है। अब इसमें मैं सॉसेस ऐड करूंगी। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ऐड किए। आप चाहे तो इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ध्यान रखें कि हमने फ्लेम को हाई ही रखना है, जिससे वो स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसमें। और अब हमने जो हमारे उबले हुए चावल हैं इनको हमने ऐड कर देना है, जो करीब 2 कप के करीब हैं चावल। आप कम से ज़्यादा ले सकते हैं। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें हरा प्याज ऐड कर दूंगी, जिसे स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हेल्दी और सिंपल डिश बनकर तैयार है। और अगर आपके पास चावल बचे हैं तो आप इस डिश को ज़रूर बनाएं, फ्राइड राइस ज़रूर बनाएं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजेस को ऐड किया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।